कहानी की शुरुआत में हम आसमान में तैरते हुए मेट्रो सिटी को देखते हैं, जो कि अर्थ से बिल्कुल अलग ही एक एडवांस सिटी होती है। उस सिटी को बनाने वाले को ये पता चल गया था कि दुनिया बहुत जल्द बदलने वाली है, इसीलिए वो मेट्रो सिटी को अर्थ से बिल्कुल अलग कर लेता है। उस पूरे सिटी की सुंदरता और स्वच्छता वहाँ के रोबोट्स की देन थी, और इन रोबोट्स को एक जीनियस साइंटिस्ट टेनमा ने बनाया था। इसके बाद हम मेट्रो सिटी के एक स्कूल में टॉबी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो साइंटिस्ट टेनमा का बेटा था। वो भी अपने डैड की तरह ही जीनियस था। टीचर क्लास में जब सभी बच्चों के फिजिक्स का टेस्ट लेते हैं, तो टॉबी उनके सवालों को कुछ ही पलों में सॉल्व कर देता है। अपना टेस्ट खत्म करने के बाद टॉबी जब अपने घर जाने लगता है, तो टीचर उसके आंसर शीट चेक करते हैं, और टॉबी के फुल मार्क्स को देखकर वो भी काफी हैरान होते हैं। इसके बाद टॉबी अपने घर जाने लगता है, तो उसे लेने के लिए उसके डैड का असिस्टेंट रोबोट टेरिन आता है। टेरिन टॉबी को अपनी कार में बिठाकर उसे घर ले जाने लगता है। वहीं कार के अंदर उसके डैड होलोग्राफिक इमेज की मदद से उससे बात करते हैं, और वो टॉबी को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ना ले जाने के लिए उससे माफी मांगते हैं, जहाँ पर वो काम करते थे। इसके बाद उसके डैड उससे कहते हैं कि आज वो मेट्रो सिटी के प्रेसिडेंट को अपना नया रोबोट दिखाने वाले हैं, और इसीलिए उसे घर आने में थोड़ी देर हो सकती है। इस पर टॉबी अपने डैड से कहता है कि वो भी उस रोबोट को देखना चाहता है, पर उसके डैड उसे वहाँ आने से मना कर देते हैं, और इसके बाद उसके डैड का होलोग्राफिक इमेज गायब हो जाता है। टॉबी उस रोबोट को देखना चाहता था, इसीलिए वो टेरिन से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने को कहता है, लेकिन टेरिन वहाँ जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके डैड ने टेरिन को उसे घर ले जाने का कमांड दिया था। टॉबी जब देखता है कि टेरिन उसकी बात नहीं मान रहा, तो वो उसके कमांड के साथ छेड़छाड़ करके उसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस चलने का कमांड देता है, और इसके बाद टेरिन टॉबी को लेकर उसके डैड के ऑफिस पहुंचता है, जहां पर उसके डैड उसे देखकर काफी गुस्सा करते हैं और उसे तुरंत वहां से घर जाने को कहते हैं। पर वहां के प्रेसिडेंट टेनमा से कहता है कि ये तुम्हारा बेटा है, इसीलिए वो चाहता है कि ये भी उस रोबोट को देखे और बड़े होकर वो भी उसी की तरह एक जीनियस साइंटिस्ट बने। लेकिन जब टॉबी प्रेसिडेंट के हथियारों को पुरानी और खराब बताता है, तो प्रेसिडेंट टॉबी की बातों से काफी नाराज होता है और उसे वहाँ से जाने का ऑर्डर देता है। इसके बाद हम डॉक्टर एल्फा को देखते हैं, जो वहाँ के साइंटिस्टों को ब्लू कोर और रेड कोर की एनर्जी के बारे में बता रहा था। ब्लू कोर की एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी थी, जबकि रेड कोर की एनर्जी नेगेटिव थी। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँचता है, जो उन दोनों एनर्जी को ले लेता है। इसके बाद डॉक्टर टेनमा और डॉक्टर एल्फा प्रेसिडेंट को अपना बनाया सबसे खास रोबोट दिखाते हैं, जिसका नाम पीस कीपर होता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट काफी खुश होता है, और वो डॉक्टर एल्फा को रेड कोर पीस कीपर के अंदर डालने को कहता है, तो डॉक्टर एल्फा ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि रेड कोर में निगेटिव एनर्जी थी और उसे डॉक्टर एल्फा ने कभी टेस्ट भी नहीं किया था। लेकिन प्रेसिडेंट अगला इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और वो रेड कोर को लेकर खुद ही उसे पीस कीपर के अंदर लोड कर देता है। जैसे ही रेड कोर पीस कीपर के अंदर लोड होता है, वो काफी अग्रेसिव और डेंजरस हो जाता है, और वो उन पर ही हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तो डॉक्टर टेनमा पीसकीपर को एक कमरे में कैद कर देते हैं, लेकिन उसी कमरे में टॉबी छुपा होता है। ये देखकर डॉक्टर टेनमा काफी परेशान होने लगता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा अब इमरजेंसी लॉक हो चुकी थी और वो अब खोल नहीं रहा था। उस रेड कोर की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि टॉबी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी पीसकीपर उस दरवाजे को रेड कोर की मदद से तोड़ देता है। ये देखकर डॉक्टर एल्फा ब्लू कोर की एनर्जी जल्दी से पीसकीपर के अंदर डालता है। जब ब्लू कोर और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है, तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से पीसकीपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन उसी के साथ अब टॉबी भी जा चुका था। उसकी मौत से डॉक्टर टेनमा काफी दुखी होते हैं। वो टॉबी के मौत का जिम्मेदार अपने आप को मान रहे थे, इसीलिए वो टॉबी के जैसा ही एक रोबोट बनाने का डिसाइड करता है, और दिन रात काफी मेहनत करके टेनमा टॉबी के जैसा ही एक रोबोट बना लेता है। और टॉबी के कैप से उसे टॉबी का एक बाल मिलता है, जिससे वो टॉबी के डीएनए की मदद से उस रोबोट के अंदर उसकी सारी यादें अपलोड करता है। इसके बाद वो उसके अंदर ब्लू कोर डाल देते हैं, और जब उस रोबोट को होश आता है, तो वो बिल्कुल टॉबी के जैसा फील कर रहा था, और वो डॉक्टर टेनमा को अपना डैड भी मान रहा था। ये देखकर डॉक्टर टेनमा काफी खुश होता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है। टॉबी जब अपने घर आता है, तो टेरिन उसे जिंदा देखकर काफी हैरान होता है, और वो टॉबी को स्कैन करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये टॉबी नहीं बल्कि उसके जैसा एक रोबोट है। तभी वहाँ पर डॉक्टर टेनमा आते हैं, जो टेरिन को इशारों में समझाते हैं कि वो टॉबी को उसकी सच्चाई ना बताए। इसके बाद डॉक्टर टेनमा चाहते हैं कि वो रोबोट टॉबी की कैप पहने, लेकिन वो उस कैप को पहनने से मना कर देता है। इस पर डॉक्टर टेनमा काफी दुखी होता है, और वो ये समझ जाता है कि ये रोबोट कभी भी टॉबी की जगह नहीं ले सकता। इसके बाद वो टॉबी को डांटकर उसके रूम में भगा देता है। टॉबी जब अपने रूम में होता है, तो वो दो रोबोट्स को बातें करते हुए सुनता है,
जो टॉबी के बालों को सींग बता रहे होते हैं, तो टॉबी उनसे कहता है कि ये उसकी सींग नहीं बल्कि उसके बाल हैं। वो रोबोट ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि एक इंसान रोबोट की भाषा कैसे समझ सकता है। टॉबी भी काफी हैरान था क्योंकि वो उन रोबोट्स की बातों को सुन सकता था। उन रोबोट से बातें करते हुए टॉबी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वो जमीन से टकराने ही वाला होता है कि तभी उसके पैर रॉकेट के बन जाते हैं और वो हवा में उड़ने लगता है। ये सब देखकर वो काफी हैरान था। उसे लगता है कि उसे कोई पावर मिल गई है। वो खुशी के मारे पूरे शहर में घूमता है और जब वो अपने घर जाता है तो अपने डैड को डॉक्टर अल्फा से बातें करते हुए सुनता है, जहाँ पे उसके डैड डॉक्टर अल्फा से कह रहे होते हैं कि वो रोबोट कभी भी उसके बेटे की जगह नहीं ले सकता। टॉबी समझ जाता है कि वो लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए वो उनके पास जाता है और अपने डैड से कहता है कि ये सब आप क्या बोल रहे हो। इस पर डॉक्टर टेनमा इस बार उसे पूरी सच्चाई बता देता है। वो उसे बता देता है कि तुम सिर्फ एक रोबोट हो जिसे उसने अपने बेटे की कमी पूरी करने के लिए बनाया था, लेकिन वो कभी भी उसके बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकता और इसीलिए वो उसे वहाँ से चले जाने को कहता है। टॉबी ये सब सुनकर उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं प्रेसिडेंट को उसके सिप में ब्लू एनर्जी का सिग्नल मिलने लगता है जो कि टॉबी से आ रही होती है। ये देखकर वो अपने कुछ रोबोट्स को टॉबी को पकड़ने के लिए भेजता है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉबी ब्लू कोर की एनर्जी से काफी पावरफुल बन गया था, इसीलिए वो उन रोबोट्स के सिप को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सब देखकर प्रेसिडेंट टॉबी पर मिसाइल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है और वो मेट्रो सिटी से नीचे अर्थ पे गिर जाता है। टॉबी को जब होश आता है तो वो वहाँ पर बहुत सारे टूटे हुए रोबोट्स को देखता है जिन्हें मेट्रो सिटी से वहाँ पर फेंका गया था। टॉबी को वहीं पर एक ट्रैशकैन नाम का रोबोट मिलता है जो टॉबी को एक ट्रैप में फंसा देता है। थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं जो टॉबी को देखकर काफी हैरान थे। दरअसल वो बच्चे टूटे हुए रोबोट को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब वो टॉबी को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि टॉबी एक इंसान है। उन्हीं बच्चों में कोरा नाम की एक लड़की होती है जो टॉबी से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो। तो टॉबी उन्हें बताता है कि वो मेट्रो सिटी से आया है, लेकिन टॉबी उन्हें अपना नाम एस्ट्रो बताता है। वो बच्चे जब सुनते हैं कि एस्ट्रो मेट्रो सिटी से आया है तो वो काफी खुश होते हैं क्योंकि उनका भी सपना होता है कि वो कभी मेट्रो सिटी को देख पाए। कोरा जब उससे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है तो टॉबी उन्हें बताता है कि वो अनाथ है, इसीलिए उसे मेट्रो सिटी से निकाल दिया गया। इसके बाद कोरा टॉबी को लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो सब भी अनाथ होते हैं। वहीं पर हमीग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि एक साइंटिस्ट होता है और उसी के लिए वो सारे बच्चे रोबोट्स के पार्ट्स इकट्ठा करते थे और हमीग उन पार्ट्स की मदद से नए नए रोबोट्स बनाता था क्योंकि वो रोबोट बनाने का बहुत ही शौकीन था। हमीग टॉबी के साथ भी अपने बच्चों की तरह ही पेश आता है जिससे टॉबी को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन टॉबी सभी बच्चों के साथ रोबोट के पार्ट लाने के लिए जाता है, पर रास्ते में ट्रैशकैन सभी को टॉबी की असलियत बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को समझ नहीं पाता। वहीं पे टॉबी को एक बहुत बड़ा सा रोबोट दिखाई देता है तो वो कोरा से उस रोबोट को हमीग के पास ले चलने को कहता है, पर कोरा उससे कहती है कि ये 100 साल पुराना है और काफी भारी भी है, इसे हम लेकर जा नहीं सकते। लेकिन टॉबी उस रोबोट के अंदर जाता है और उसे स्कैन करने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें क्या खराबी है। उस बड़े से रोबोट का नाम जॉग होता है। उधर हमीग अपने एक रोबोट को फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा होता है और तभी सभी बच्चे जॉग को लेकर उसके पास पहुँचते हैं जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो जब उसे अपने डिवाइस से चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जॉग के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, पर तभी उसकी डिवाइस एस्ट्रो की ओर चली जाती है जिससे हमीग को पता चल जाता है कि वो भी एक रोबोट है, लेकिन हमीग ये बात किसी को बताता नहीं है। इसके बाद सभी लोग मिलकर जॉग की सफाई करते हैं और उसे अच्छी तरह से पेंट करते हैं। जॉग अब पूरी तरह से नया बन चुका था। अगले दिन हमीग जॉग को लेकर रोबोट फाइट के लिए जाता है जहाँ सभी रोबोट जॉग को देखकर डर जाते हैं। वहीं टॉबी हमीग से पूछता है कि तुम तो रोबोट से प्यार करते हो तो उन्हें फाइट करवाने के लिए क्यों ले जा रहे हो। तो हमीग उससे कहता है कि रोबोट चाहे कितना ही एडवांस या डेवलप क्यों ना हो जाए, लेकिन वो इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए ही बने होते हैं। इसके बाद वो टॉबी को एक डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। तो कोरा हमीग से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो कोरा को बताता है कि वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी का रोबोट है जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखता है। ये बात सुनकर सभी बच्चे काफी हैरान होते हैं और जब टॉबी को होश आता है तो वो खुद को बैटल ग्राउंड में पाता है। वहाँ पर हमीग सभी को बताता है कि ये एक बहुत ही एडवांस रोबोट है जो कि मेट्रो सिटी से यहाँ पर आया है और ये हमारा दुश्मन है और इसीलिए इसे हमारे रोबोट से लड़ना होगा। ये बात सुनकर टॉबी रोबोट से लड़ने से मना कर देता है। मना करने के बावजूद भी हमीग अपने रोबोट को उससे लड़वाता है और ना चाहते हुए भी टॉबी को उन रोबोट से लड़ना पड़ता है और वो एक एक करके सभी रोबोट्स को हरा देता है। इसके बाद हमीग उससे लड़ाने के लिए जॉग को बुलाता है और जॉग से उसे खत्म करने को कहता है,
लेकिन जॉग उससे फाइट नहीं करता क्योंकि जॉग उसी की वजह से स्टार्ट हुआ था। वो टॉबी को मारने के बजाय उल्टा हमेक पर ही हमला कर देता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन टॉबी उसे बचा लेता है। ये देखकर हमेक काफी शर्मिंदा होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट अपने शिप से आता है और वो टॉबी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसके वहाँ से चले जाने के बाद कोरा और सभी बच्चे काफी दुखी थे। प्रेसिडेंट टॉबी को लेकर डॉक्टर टेनमा के पास जाता है और उसे टॉबी के अंदर से ब्लू कोर को निकालने के लिए कहता है। डॉक्टर टेनमा भी ब्लू कोर को निकालने के लिए तैयार हो जाता है और जैसे ही वो ब्लू कोर को निकालने वाला होता है तो टॉबी उससे कहता है कि वो कभी उसका बेटा नहीं बन पाया। इस पर डॉक्टर टेनमा को उस पर दया आ जाती है, लेकिन फिर भी ब्लू कोर को वो उसके अंदर से निकाल देता है। उस ब्लू कोर को लेकर प्रेसिडेंट वहां से जाने लगता है तो डॉक्टर टेनमा ब्लू कोर को उससे छीन लेता है और जाकर टॉबी के अंदर दोबारा से लोड कर देता है, जिसके बाद टॉबी एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और वो वहां से भाग जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट डॉक्टर टेनमा पर काफी गुस्सा होता है और उसे गिरफ्तार करवा देता है और एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेड कोर को पीस कीपर में डाल देता है। और जैसे ही वो रेड कोर को उसके अंदर डालता है, पीस कीपर प्रेसिडेंट को भी अपने अंदर खींच लेता है। उसके अंदर जाने के बाद वो उसको कंट्रोल करने लगता है और इसके बाद पीस कीपर टॉबी को मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। वो पूरे मेट्रो सिटी में काफी तबाही मचाता है तो टॉबी उसे रोकने की कोशिश करता है, जिससे टॉबी और पीस कीपर के बीच में फाइट होने लगती है। वहीं अर्थ पर कोरा और सभी बच्चे मेट्रो सिटी को तबाह होते हुए देखते हैं तो वो टॉबी की मदद करने के लिए जाते हैं। इधर पीस कीपर टॉबी के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था और जैसे ही वो टॉबी को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है, कोरा और उसके दोस्त वहां पर आकर टॉबी को बचा लेते हैं। पीस कीपर उन्हें पकड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसके हाथ नहीं आते। इसी बीच मेट्रो सिटी का पावर सप्लाई डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण सिटी नीचे अर्थ पर गिरने लगती है। तो टॉबी किसी तरह मेट्रो सिटी को सेफली अर्थ पर लैंड कराता है। इसके बाद टॉबी और पीस कीपर बीच में एक बार फिर से फाइट होने लगती है तो पीस कीपर टॉबी को भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही ब्लू और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिलती है, वहां पर फिर से एक धमाका होता है। इस पर टॉबी समझ जाता है कि वो कैसे पीस कीपर को हरा सकता है। तभी वहां पर टॉबी के डैड आते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी टॉबी देखता है कि पीस कीपर ने कोरा और उसके दोस्तों को पकड़ा हुआ है। तो वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए सीधा पीस कीपर के अंदर चला जाता है, जिससे ब्लू और रेड कोर की एनर्जी आपस में मिल जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें पीस कीपर मारा जाता है। लेकिन वो प्रेसिडेंट किसी तरह बच जाता है तो उसे मेट्रो सिटी के ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। उधर टॉबी बेहोश हो गया होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे काफी दुखी थे तो डॉक्टर एल्फा उन्हें बताता है कि टॉबी को ब्लू कोर के एनर्जी की जरूरत है। तभी वहां पर जॉग आता है जो टॉबी से अपने ब्लू एनर्जी को शेयर करता है, जिससे टॉबी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। डॉक्टर टेनमा टॉबी को अपने बेटे की तरह ही प्यार करने लगता है और वो सभी बच्चे भी टॉबी से मिलकर काफी खुश होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।